Hello students, welcome to our new lecture number 3 based on the topic aldehyde, ketone and carboxylic acid. इस चैप्टर का आज तीसरा लेक्चर है. पिछले लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने नेम रिएक्शन के नाम पर एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन और क्लेजन श्मिट रिएक्शन कंप्लीट किया था. और मैंने आपसे कहा भी था कि जब तक ये नेम रिएक्शन चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन में ही सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है, और जब तक ये नेम रिएक्शन चल रहा है तो ये लेक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो आज हम अपने नेम रिएक्शन के दूसरे लेक्चर और चैप्टर के तीसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं. तो पिछले टर्म में हम लोगों ने क्लेजन श्मिट तक कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में. इस लेक्चर में हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्लेजन कंडेंसेशन. और ये क्लेजन श्मिट पिछली बार किया था और अब की बार है क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन. तो क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन नाम से ही सबको समझ में आ रहा है कि ईस्टर का कंडेंसेशन होगा. तो चलिए देखते हैं. तो क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन में ईस्टर की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है और प्रोडक्ट बनता है बीटा कीटो ईस्टर. प्रोडक्ट बनता है बीटा कीटो ईस्टर. ओके, और ये ईस्टर कैसा होना चाहिए? तो ईस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. तो ऐसा ईस्टर लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन. उसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होगी तो क्या बनेगा? बीटा कीटो ईस्टर. चलिए देखते हैं रिएक्शन. तो रिएक्शन में रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म अपने को समझनी है. तो जैसे मैं इथाइल एसीटेट ले लेता हूं, ये ईस्टर इथाइल एसीटेट. तो इथाइल एसीटेट की रिएक्शन मुझे करानी है सोडियम एल्कोक्साइड से, तो मैं सोडियम इथॉक्साइड ले लेता हूं और इसके साथ कराऊंगा तो क्या बनना चाहिए? बीटा कीटो ईस्टर. ओके, तो चलिए इसकी मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा बीटा कीटो ईस्टर. प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है चलिए देखते. तो सबसे पहले इस ईस्टर की रिएक्शन इसी एल्कोक्साइड से होगी और एल्कोक्साइड में ये जो आप देख रहे हैं आरओ माइनस, ये बेस का काम करेगा. तो CH3COO C2H5, इसकी रिएक्शन होगी C2H5O- C2H5O- किसकी तरह काम करेगा? एक्ट एज बेस. तो अगर बेस की तरह काम करेगा तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन. ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस CH3 का एक एच यहां से निकलेगा और ये एच इसको मिल जाएगा. और जैसे एल्डोल में बनता है ना कार्बन एट, बिल्कुल वैसे यहां पर भी आ बनता है. तो यहां बन जाएगा CH2- सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5. ये बन गया आपका कार्बन आयन और साथ में बन गया इथाइल एल्कोहल. ओके, ये था पहला स्टेप. अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये कार्बन आयन दूसरे मोल ईस्टर के साथ रिएक्ट करेगा. देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आया, आपको खुद समझना होगा कि इसके दो मोल आएंगे. तो अब इसके दूसरे मोल पे अटैक होगा. तो कार्बन आयन कहां अटैक करता है? तो ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर अटैक करेगा तो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये कार्बोनिल कार्बन का ये ऑक्सीजन इस तरफ से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा. तो आप इसको जोड़ दीजिए. आप तो इसको कैसे जोड़ेंगे? आप CH3CO- यहां लगा है OC2H5 और इसके आगे से ये वाला पार्ट पूरा जोड़ दीजिए CH2 सी डबल बॉन्ड OC2H5. ओके, अब क्या होगा? अब होगा यहां पर रेजोनेंस. तो रेजोनेंस कैसे होगा? ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो यहां से लीविंग ग्रुप ये हटेगा क्योंकि यही वीक बेस है. तो ये वाला लीविंग ग्रुप हट जाएगा. तो अगर ये वाला लीविंग ग्रुप हट जाएगा तो इथॉक्साइड आयन, क्योंकि हम तो इथॉक्साइड का एल्कोहल बना चुके हैं, तो इथॉक्साइड
भी कर देंगे, क्योंकि ये ऐसा कैटलिस्ट होता है स्मॉल अमाउंट में और यहाँ पर रिएक्शन में बेस की तरह काम करता है। ओके, तो इथॉक्साइड आयन हट भी जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फिर से एक ईस्टर बन जाएगा, OC2H5 यहां लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं इसको बोलेंगे बीटा कीटो ईस्टर, यही बीटा कीटो ईस्टर है और साथ में इथॉक्साइड आयन अलग हो गया। ओके, बीटा कीटो ईस्टर नाम कैसे पड़ा, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन बीटा, तो बीटा कार्बन कैसा है, कीटो, बीटा कीटो ईस्टर, फंक्शनल ग्रुप की वजह से ईस्टर। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन होनी है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और याद रखना बहुत ही आसान है कि जैसे एल्डोल में रिएक्शन कराते थे वैसे यहां पर भी कराना है। पहला स्टेप वहां पर भी एसिड बेस रिएक्शन होता था, बस वहां OH- होता था, यहां C2H5O- है, तो एल्कोहल बना देंगे और ये कार्बन आयन को दूसरे मोल कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करा देंगे। ओके, तो ये ऊपर वाला स्टेप कौन सा था, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन जो था इसको लिख लेते हैं स्टेप नंबर वन और इसको लिख लेते हैं स्टेप नंबर टू। तो स्टेप नंबर वन क्या था, आप ध्यान से देख सकते हैं, स्टेप वन क्या बोलेंगे आप, एसिड बेस रिएक्शन, स्टेप वन इज एसिड बेस रिएक्शन। ओके, एंड स्टेप टू कौन सा था बताइए, स्टेप नंबर टू, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, और ये कार्बोनिल कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो स्टेप नंबर टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, नोट कर लेंगे। अगर यही दो मोल ईस्टर की बजाय एक ही मोल में ईस्टर आ जाए, यानी अगर मैं इसका इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लेसन कंडेंस ईस्टर कंडेंसेशन पढ़ूं तो वो कैसा होगा, इसके इंट्रा मॉलिक्यूलर को एक नया नाम दिया गया है और उसी को बोलते हैं डायकमैन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे डायकमैन रिएक्शन, डायकमैन रिएक्शन। तो ये एक तरीके से क्लेसन ईस्टर कंडेंसेशन का इंट्रा मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है, तो लिखेंगे इट इज द इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ क्लेसन ईस्टर कंडेंसेशन, क्लेसन ईस्टर कंडेंसेशन का इंट्रामोलिक्यूलर है। तो अब मुझे दो मोल ईस्टर नहीं लेने बल्कि मैं क्या करूं, एक ही कंपाउंड लूं और उसमें दो फंक्शनल ग्रुप ईस्टर के होने चाहिए, जैसे हम लोगों ने इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन देखा था, तो बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखिए यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर अगर आपको बिल्कुल वैसा ही लेना है तो आपको क्या करना चाहिए, ये ईस्टर लगा लीजिए इस तरीके से और इसकी रिएक्शन फिर से RO- यानी कि C2H5ONa से करा दीजिए। ओके, तो चलिए फिर से चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर और देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, तो इसी क्वेश्चन को मैं मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व कर देता हूं। तो हम लोग देखिए यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले H+ आयन किसको दे रहे थे, बेस को, तो ये बेस किस तरीके से टूटेगा, ये बेस तो ब्रेक है, ये आयन फॉर्म में C2H5O-Na+ में है, तो यहां से किसी भी एक से, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों के पास है, तो किसी भी एक से अल्फा हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए। जब आप अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो इसमें प्लस आएगा और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन C2H5O- के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा, C2H5OH, और ये कार्बन आयन जो बन गया, ये कार्बन आयन अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, तो देखिए क्या बन गया, यहां पर आ जाएगा O- OC2H5। ओके, और इसके बाद ये कार्बन कार्बन और ये बॉन्ड जुड़ गया इसके साथ, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, COOOC2H5, और साथ में बन गया C2H5OH। ये पहला स्टेप बिल्कुल वैसे ही हो गया। अब सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, तो इसको 5 मेंबर रिंग बना दे, कितने मेंबर रिंग बन रही है, 5 कार्बन लगे ना, तो इसको 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं, तो 5 मेंबर रिंग, बल्कि इधर ही दिखा देते हैं इसी को, तो 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं इसको,
ये हमने बना दिया 5-membered ring. और इस 5-membered ring से किसी भी एक कार्बन से आप क्या करो, ये 5-membered ring में किसी भी एक कार्बन से O- और एक OC2H5 निकाल दो. तो मैंने यहाँ O- और यहाँ पर OC2H5 निकाल दिया. ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, OC2H5. और जहां पर ये कार्बन है उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे आ जाइए, उससे क्या निकाल दीजिए, सी डबल बॉन्ड OC2H5. ये लिखते वक्त याद रहे कि ये COC2H5 रिंग में नहीं है. तो इस तरीके से है. अब देखिए आगे क्या होगा. तो आगे आपको क्या करना है, रेजोनेंस. तो अब आप जब रेजोनेंस करेंगे बिल्कुल यहां पर जैसे आपने किया था वैसे ही कर रहा हूं मैं, ये बन गया. देखिए रेजोनेंस करेंगे OC2H5 निकल जाएगा. तो ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड होगा और ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम होगा, तो ये OC2H5 निकल जाएगा. तो क्या बन जाएगा, फिर से 5-membered रिंग बना लीजिए, 5-membered रिंग. और इस 5-membered रिंग में, इस 5-membered रिंग में आपको क्या करना है, यहां पर तो डबल बॉन्ड दिखा देना है. OC2H5 निकल गया है, OC2H5 निकल गया है, यहां पर डबल बॉन्ड दिखा दिया. उसके बगल वाले पे C डबल बॉन्ड OC2H5. अब देखिए फिर से ये फंक्शनल ग्रुप हुआ. अगर ये फंक्शनल ग्रुप हुआ तो ये कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन बीटा, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, बीटा कीटो ईस्टर, बीटा कीटो ईस्टर. ओके, ये होता है डायकमेन रिएक्शन. इसके आगे एक स्टेप आपसे और पूछा जा सकता है डायकमेन में ही लगा के, वो क्या कि अगर इसकी रिएक्शन H+ आयन कोई एसिड दे दिया जाए. ओके, तो H+ आयन तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है H+ आयन वाटर में होगा, तो वो क्या बन चुका होगा, H3O+, यानी वाटर प्रेजेंस ऑफ H+ आयन. तो अगर इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की बात की जा रही है, तो अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो किसी भी एसिड डेरिवेटिव की अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जहां पर आपने ईस्टर लगाया है बस वहां पर आपको क्या लगाना है, एसिड लगा देना है. तो ये सी डबल बॉन्ड हो और यहां पर आ जाएगा सी डबल ओ एच और साथ में एक मोल इथाइल अल्कोहल और बन जाएगा यहां पर जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे. तो सी डबल ओ एच और C2H5OH. तो ये क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा कीटो साथ में, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अभी भी अल्फा और ये रहा बीटा, तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये थे दो नेम रिएक्शन. ओके, क्लेटन ईस्टर कंडेंसेशन और दूसरा था डायकमेन रिएक्शन. नोट कर लेंगे यहां तक. तो चलते हैं अपने अगले रिएक्शन पे, और अगली रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैनिजारोस रिएक्शन. नेक्स्ट स्टडी डाल देंगे आप, कैनिजारोस रिएक्शन. ओके, तो देखिए कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले उनको समझ लेते हैं. कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, जैसे एल्डोल में वही कंपाउंड्स एल्डोल रिएक्शन देते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक इसका उल्टा कैनिजारो रिएक्शन वही कार्बोनिक कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो. तो इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, एक भी नहीं होना चाहिए, एनी अल्फा हाइड्रोजन है. अब अल्फा देखना तो आपको आई है, तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो वही कैनिजारो देगा. तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, ऐसे कौन कौन से कार्बोनिक कंपाउंड हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसा हो सकता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CHO, ये हो सकता है ना. ऐसा हो सकता है फ्यूरॉन एल्डिहाइड, तो फ्यूरॉन क्या होता है, ये इसको बोलते हैं फ्यूरॉन और यहां पर लगा दीजिए CHO. तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन. अब आप देख लीजिए अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख सकते. तो फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फ्यूरॉन एल्डिहाइड, इस तरीके के कंपाउंड्स जिनके पास
अल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड क्या देते हैं? कैनिजारो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो कैनिजारो में होता है, तो कैनिजारो में भी सेल्फ और क्रॉस होता है, जैसे एल्डोल में सेल्फ और क्रॉस होता है। तो सेल्फ होगा तो इसी के दो मोल ले लिए, सेल्फ होगा तो इसी के दो मोल ले लिए या इसी के दो मोल ले लिए। तो जो सेल्फ कैनिजारो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वन मोल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मोल रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो लिख लेंगे ये पॉइंट भी, वन मोल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस। अब अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो एसेंट सीरीज और डिसेंट सीरीज आपको पता होनी चाहिए। किसी भी एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से डिसेंट सीरीज पे आते हैं। ये थी एसेंट सीरीज, एल्केन से एसिड तक। डिसेंट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एसिड का अगर रिडक्शन कर देंगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल, और एल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो एल्केन। तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वन मोल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस इनटू एसिड, लेकिन यहां एसिड नहीं बनता, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ऑक्सीडाइज इनटू सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वाइल एनदर मोल, दो मोल लेंगे ना, एनदर मोल ऑफ एल्डिहाइड, एनदर मोल ऑफ एल्डिहाइड गेट रिड्यूसेस इनटू, तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर किसमें जाएगा? एल्कोहल। यही होता है कैनिजारो। ओके, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सेल्फ कैनिजारो को, सेल्फ कैनिजारो। देखिए बार बार मैं सेल्फ कैनिजारो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेल्फ कैनिजारो में सेम एल्डिहाइड होगा, और हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन में पढ़ा था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम एलिमेंट कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ऐसा कर रहे होंगे तो उसको हम रेडॉक्स बोल सकते हैं, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपसे कि सेल्फ कैनिजारो, कई लोग सीधा कैनिजारो बोल देते हैं बट ये गलत है, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, जबकि क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा? जैसे क्रॉस एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, तो इसमें से या तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा, या तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा। तो ये काम दोनों डिफरेंट डिफरेंट कार्बन अपने अपने कंपाउंड में कर रहे हैं। तो क्रॉस कैनिजारो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता। तो वो क्या हो सकता है? रेडॉक्स हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों है। ओके, तो अगला पॉइंट भी लिख लेंगे, क्रॉस कैनिजारो, क्योंकि मैं आपको एल्डोल पढ़ा चुका हूं तो अभी आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो क्रॉस कैनिजारो इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? तो दिस रिएक्शन अकर्स इन कंसंट्रेट एल्कली लाइक NaOH और KOH, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्शन होती है। ओके, तो कंसंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ आपको ये रिएक्शन करनी है। इतने पॉइंट सफिशियंट हैं कैनिजारो को इनिशियली समझने के लिए। अब मैं सीधा रिएक्शन बताता हूं आपको, तो अब चलिए रिएक्शन में चलते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो मोल ले लेते हैं और साथ में कंसंट्रेटेड
NaOH या फिर कंसंट्रेटेड KOH। अपने को तो मतलब सिर्फ बेस से है यानी OH माइनस से है, ओके? तो OH माइनस से अपने को सिर्फ मतलब है। अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, 1 मोल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, एसिड। लेकिन मैंने बताया एसिड नहीं बनता बल्कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो सॉल्ट किसका होगा, HCOO-। अगर यहां Na है तो यहां Na लगा दीजिए, अगर K है तो K लगा दीजिए। तो जैसे HCOO-Na या फिर HCOOK, ओके, ये बन जाएगा। और साथ में दूसरा मोल क्या होगा, रिड्यूस। तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ओके, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। और यहां वाले पर क्या हो रहा है, यहां वाले पर हो रहा है रिडक्शन। अब आप खुद समझ रहा है, अगर वही ये इसका मतलब अलग अलग लिख दिया, इसका मतलब है तो दो मोल ना, तो सेम एटम, सेम कंपाउंड में सेम एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। ओके, अब जरा इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। और फिर जैसे एल्डोल में पढ़ा था हमने रेट, ऑर्डर, काइनेटिक्स, वैसे ये सारी भी देखने हैं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्टडी डाल देंगे इसी में आगे, मैकेनिज्म। तो अब आपके लिए हुआ कैसे, पता तो दिया मैंने आपको, एक ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस हुआ, बट कैसे हो पाया। तो इस मैकेनिज्म के लिए चलते हैं, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। स्टेप नंबर 1 में देखिए क्या हो रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में आएगा OH माइनस, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड और OH माइनस, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, फॉर्मेल्डिहाइड और OH माइनस आपस में लिखते हैं। तो देखिए यहां पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो एल्डोल की तरह वो एसिडिक हाइड्रोजन इसको मिल जाता तो वॉटर निकल जाता। अब यहां पर नहीं है तो ये OH माइनस किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर काम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल में ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, तो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, एच सी ओ माइनस, यहां पर एच और यहां पर OH, इसको मैं बोल देता हूं एनायन, ये एनायन बन जाएगा, ओके? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आगे ये वाला एच भी टूट जाएगा और इसी तरीके से लग जाएगा। वो कैसे, अगर और ज्यादा बेसिक मीडियम कंसंट्रेट, वेरी हाई बेसिक है, हाईली कंसंट्रेटेड है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन पे ये वाला एच भी टूट जाएगा और यहां पर इस तरीके से, और ये एच और OH मिलकर क्या बना देंगे, वॉटर। हालांकि मुझे अभी जेई मेन और नीट के सिलेबस तक में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, एडवांस में ये वाला पॉइंट थोड़ा समझने लायक है, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं, यहीं से समझते हैं, उस पे नहीं जा रहा, ओके? तो एनायन बन गया। अब आते हैं अगले स्टेप, तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है देखिए, तो स्टेप नंबर 2 में ये जो मेरा एनायन है इसकी रिएक्शन कराएंगे दूसरे मोल एल्डिहाइड से, एनायन की रिएक्शन होगी दूसरे मोल एल्डिहाइड से, ओके? अब जब एनायन की रिएक्शन दूसरे मोल के एल्डिहाइड से होगी तो देखिए यहां पर क्या है, ओ पे माइनस है तो वो रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस किस टाइप का, ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो ये कार्बन तो पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, चाहे ये लो या ये लो, ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और निकलकर कहां पहुंच जाएगा, इस पे, तो इस पे तो वही अटैक करता है जो न्यूक्लियोफाइल हो। तो आप सोचिए जब यहां लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड लगाएंगे तो ये जब टूटेगा तो एच पे डेल नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो एच वाले पे डेल नेगेटिव आ जाएगा, तो ये डेल नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये यहां पर अटैक करेगा। लेकिन आप कभी भी ये मेंशन नहीं करोगे कि हाइड्राइड आयन बना, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हाइड्राइड आयन बनता है, यानी ऐसी कोई रिएक्शन भी नहीं है जो ये कंफर्म कर सके कि हाइड्राइड आयन बनता है,
तो हाइड्राइड आयन इसमें नहीं बनता है। तो बनता तो ये एनायन है, और ये एनायन में आपस में रेजोनेंस होता है जिससे ये हाइड्रोजन एटम उधर शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो ये हाइड्रोजन एटम जब यहां शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये तो फॉर्मिक एसिड बन गया, और साथ में इस वाले कार्बन पर ये एच लग गया, ये हुआ दूसरा स्टेप। ओके, और अब वहां पे भी कर सकते हैं, हमें अलग से बता देता हूं उसका तीसरा स्टेप। तो स्टेप नंबर थ्री, अब क्या होगा, अब ये एच सी डबल ओ एच में फॉर्मिक एसिड में एसिडिक है, और फॉर्मिक एसिड एसिडिक क्यों है बता सकते हो आप लोग, कोई भी एसिड को एसिडिक बोला जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो अपना H+ आयन दे सकता है, देने की टेंडेंसी H+ आयन, तो ये अपना फॉर्मिक एसिड अपना H+ आयन दे देगा, तो ये माइनस और यहां पर प्लस आ जाएगा, और ये H+ आयन किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मेट आयन, और साथ में बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल और फॉर्मेट आयन। अब अगर आपने यहां पर NaOH ले रखा होगा तो यहां Na लग जाएगा, यहां KOH ले रखा होगा तो यहां K+ लग जाएगा, यानी कि HCOO- Na+ के साथ मिलकर HCOONa बना देते हैं सोडियम फॉर्मेट। ओके, तो ये है इसकी मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म तो आपने समझ ली, ओके, बट मैकेनिज्म के बाद अगर आपको काइनेटिक्स पे जाना है, अगर ऑर्गेनिक में फिजिकल केमिस्ट्री लगानी है, तो स्लो स्टेप फास्ट स्टेप का पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एनायन का अटैक एल्डिहाइड पे जो होता है वही होता है स्लो स्टेप, सबसे स्लो स्टेप यही है, यानी ये हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा, इस वाले स्टेप पर डिपेंड करेगा। ओके, इसमें स्टेप नंबर वन क्या था, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो स्टेप नंबर वन को आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिख लेंगे। तो स्टेप नंबर वन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, स्टेप नंबर टू क्या है, तो यहां हुआ रेजोनेंस और ये ग्रुप इसके ऊपर अटैक किया, कार्बोनिल कार्बन पे अगर कोई अटैक करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये भी हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, और ये लास्ट में अगर आप इसको भी स्टेप नंबर थ्री गिन रहे हैं, हालांकि होता क्या है, ये एच तुरंत लग जाएगा उसपे, इसके लिए कोई स्टेप स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप यहां से एक नया स्टेप समझना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये एसिड है, इसने अपना एच प्लस साइन दिया, तो ये क्या हो गया बेस, ये अगर एक्ट कर रहा है एक्ट एज एसिड, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ बेस, तो ये कौन सा हो गया स्टेप नंबर थ्री, इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। ओके, जिससे ये सॉल्ट बन गया और ये एल्कोहल बन गया, जरूरी नहीं है हर एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर पड़े। ओके, तो सॉल्ट और वाटर से फिल्म में बनता है, जिस एसिड में एच हो और जिस बेस में ओ एच हो, यहां तो नहीं है, तो ये टेंथ क्लास से थोड़ा ऊपर आ जाएगा कि हर एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर नहीं देती। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे, और अब हेडिंग डालेंगे काइनेटिक्स, तो अब अपने को रेट लॉ बनाना है, तो यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से। तो काइनेटिक्स क्या है, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि स्लो स्टेप सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर टू। ओके, तो रेट आर इज इक्वल टू के, आर इज इक्वल टू के फॉर्मेल्डिहाइड का कंसेंट्रेशन एक्टिव मास, और दूसरा एनायन, आप चाहो तो एल्डिहाइड और एनायन भी लिख सकते हो, और जब मैंने इधर वाला एल्डिहाइड लिख दिया है तो मैं इधर भी लिख ही दे रहा हूं एनायन पूरा बना दे रहा हूं। ये हो गया स्टेप नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। ओके, इक्वेशन नंबर वन, इसको मार्क कर लेंगे। इक्वेशन नंबर वन में आप देख सकते हैं कि
कि ये वाला पार्ट क्या है, फिर से इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं होता, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा रिएक्टेंट के टर्म्स में। तो अब अगर इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा रिएक्टेंट के टर्म में, तो जरा ऊपर वाले स्टेप पे जाइए, और ऊपर वाले स्टेप से आप क्या लिख सकते हैं, k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ये जो एनायन का कंसंट्रेशन है ये अपॉन फॉर्मेल्डिहाइड का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आया कि ये जो एनायन है HCO माइनस, HCOH माइनस, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम इनटू फॉर्मेल्डिहाइड का एक्टिव मास इनटू OH माइनस का एक्टिव मास। ओके, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर टू। तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर टू में ये जो फॉर, ये जो एनायन है, इसको मैं बोल दे रहा हूं एनायन, ओके, ताकि बोलना आसान रहे। ये एनायन के कंसंट्रेशन की जगह पर स्टेप इक्वेशन नंबर वन में ये पूरा स्टेप टू लगा सकते हैं ये वाला, तो नया रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा, और वो रेट लॉ क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू के फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे लिख दे रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड, अच्छा फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर भी और फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर भी, तो फॉर्मेल्डिहाइड के कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगा, टू एक्टिव मास इनटू के इक्विलिब्रियम, ये वाला भी है और साथ में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन भी है, तो ये क्या बन गया, के डैश नया रेट कांस्टेंट, ओके, और ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के एक्टिव मास की पावर टू और OH माइनस यानी बेस के एक्टिव मास की पावर वन, रेट इज इक्वल टू। तो ये एक्चुअल में अपना क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्चुअल क्यों है, क्योंकि इसको रेट लॉ अगर बता रहे हो तो गलत है, तो एक्चुअल में ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब आप देख लो रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही हम ऑर्डर लिखते हैं, तो पहला पॉइंट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एल्डिहाइड, वो कितना हो गया, टू। दूसरा पॉइंट की ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बेस, बेस का मतलब NaOH KOH, तो वो कितना हो गया, वन। और अगर बात की जाए ओवरऑल ऑर्डर की, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो कितना हो जाएगा, थ्री। तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। और अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, इन कैनिजारोस रिएक्शन, इन कैनिजारोस रिएक्शन इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एज वेल एज NaOH, इन कैनिजारोस रिएक्शन इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एज वेल एज NaOH बोथ गेट डबल्ड, बोथ गेट डबल्ड, what then what will be the effect on its new rate, then what will be the effect on its new rate, aisa hi question maine aldol mein bhi pucha tha, chaliye jaldi se solve karke bataiye, to kya effect padega, ji ha aap bilkul sahi hain, 8 times jinka answer aa gaya 8 times wo bilkul sahi hai, 8 guna bad jayega, wo kaise, kyunki aldehyde mein agar concentration double karenge to 2 ki power 2 और बेस में अगर कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 3, तो कितना आ गया, 8 आ गया, ए न्यू रेट r डैश इज इक्वल टू 8 r। जिनको नहीं समझ में आया वो एल्डोल में भी यही वाला क्वेश्चन मैंने बताया है, इससे देख सकते हैं, ओके, नोट कर लिया यहां तक। तो ये था हमारा कैनिजारोस रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, नोट करके लिख लेंगे, कुछ ऐसे एल्डिहाइड भी हैं जिनका, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, फिर भी वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते, तो इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेंगे, तो नोट करके ये पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे। फ्यू एल्डिहाइड do not give Kanijaro's reaction
Although they don't have alpha hydrogen, although they don't have alpha hydrogen, तो ऐसा कौन सा है जिसके पास alpha hydrogen नहीं है, aldehyde है और फिर भी वो कैरी चारो नहीं दे रहा। तो ये तो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो कैरिजारो देते हैं, तो वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो भी कुछ ऐसे हैं जो कैरिजारो नहीं देते। तो जब जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से हैं भाई, तो ऐसे में आएगा क्लोरन CCl3CHO, एक तो ये है ओके। और कौन सा नहीं देता, और जैसे अब ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे आप बेंजल्डिहाइड ले लो पहले तो, और इस बेंजल्डिहाइड के पहला पोजीशन पे आप OH लगा दो, एक ये कंपाउंड हो जाएगा। या फिर आप बेंजल्डिहाइड के पहला पोजीशन पे जाकर कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लस आई प्लस एम का ग्रुप लगा दो, जैसे O माइनस, जैसे कि NH माइनस, कोई भी अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लस आई प्लस एम का ग्रुप लगाते हो तो सभी कैनी जारोज रिएक्शन नहीं देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया जा सकता है, इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो देखिए मैं पहले वाले का रीजन बता देता हूं, क्लोरल आप क्यों नहीं देता। देखिए आप फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी नहीं दे रहा, तो CCl3CHO, इसके पास अल्फा कार्बन तो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये कैनी जारो नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा चलिए देखते हैं। इसकी रिएक्शन कैनी जारो की तरह कराइए, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो कैनी जारो में OH माइनस क्या करता था बताइए आप, OH माइनस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता था, सही बात है, तो OH माइनस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता था, करा दीजिए कार्बोनिल कार्बन पे अटैक, तो ये ब्रेक हो जाएगा इधर से ओके। तो देखिए क्या बन गया, ये CCl3 हो गया और यहां पर CO माइनस हो गया, यहां H हो गया और यहां OH हो गया, बन गया ना आपका एनायन। अब क्या होता था कैनी जारो में, उसके बाद ये रेजोनेंस करता था और ये दूसरे मोल पे अटैक करता था, तो चलिए रेजोनेंस कराते हैं। अब जैसे ही आप रेजोनेंस कराओगे तो इसके हटने की टेंडेंसी है, लीविंग टेंडेंसी इसकी है, इसकी नहीं, ये हट जाएगा, लीविंग टेंडेंसी इसकी है। और ये क्या बना देगा तो वो मैं आपको बता देता हूं, ये बना देगा CCl3- और साथ में बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड। अब सोचिए अगर ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो ये क्या बना सकते हैं, या तो ये ब्रेक होकर ऐसे ही बना लेगा और या तो फिर ये H+ आयन टूट कर इसको मिल जाएगा, क्या बना लेगा क्लोरोफॉर्म और साथ में HCOO माइनस, तो ये पूरा ही ब्रेक हो गया इस वजह से, तो CCl3 माइनस निकल जाता है, टूट जाता है, इस वजह से कैनी जारो नहीं दे पाया। अब देखिए कैनी जारो तो कुछ गई थी ओके, तो पहले वाले का तो रीजन मैंने ही बताया, अब दूसरे वाले में आते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। इन सब का रीजन सही है, इन सब का रीजन क्या है देखिए वो बताते हैं। ये बेंजल्डिहाइड पे पैरा पे OH लगा रखा है, चलिए फिर से वही काम करते हैं, OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कराते हैं। तो देखिए आखिर आप मेरे को ये बताइए ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक क्यों करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे इसलिए अटैक करेगा क्योंकि ये यहां से मूव कर सकता है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आ सकता है, तो ये क्या करेगा ये यहां पर अटैक कर जाता है, यही तो बात है ना। लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने जाएगा यहां डेल पॉजिटिव आएगा तो ये अटैक कर ही नहीं पाएगा क्योंकि यहां वाले ग्रुप का प्लस आई और प्लस एम दोनों है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग की, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इसका डेल पॉजिटिव कैसा हो जाएगा न्यूट्रलाइज, यानी अगर यहां पर न्यूट्रलाइज होगा तब तक ये अटैक ही नहीं कर सकता। तो जब तक इस कार्बन पे स्ट्रॉन्ग डेल पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक ये न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं करेगा,
और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डेल पॉजिटिव का भी ये सभी ग्रुप बनने ही नहीं देंगे। ये जितने भी ग्रुप हैं, ये सभी ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये सभी ग्रुप प्लस आई और प्लस एन दे रहे हैं, प्लस आई और प्लस एन दे रहे हैं। तो अगर ये प्लस आई और प्लस एन देंगे तो ये कभी भी यहाँ पर डेल पॉजिटिव बनने ही नहीं देंगे, और अगर डेल पॉजिटिव नहीं बनने देंगे तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। यानी आंसर क्या आया, नो कैरी जा रहा, नो रिएक्शन, ये अटैक ही नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। ओके, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, क्रॉस कैरी जा रहा रिएक्शन। तो नेक्स्ट स्टडी डाल दीजिएगा, क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन। अब ये क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। क्रॉस कैनिजारो में तो इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड होने चाहिए। जैसे मैं एक ले लू फॉर्मेल्डिहाइड, तो मैं दूसरा ले लू बेंड एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन वही बेसिक मीडियम से करा लीजिए, कंसेंट्रेट बेस। ओके, तो अगर इससे कराऊंगा तो क्या होगा, अभी भी क्या होने वाला है, एक मोल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा मोल रिड्यूस होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मुझसे कोई बोलता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ, तो फिर से एल्डोल की ही तरह याद रखिएगा, चार बन जाएंगे। कैसे, पहले इसका सेल्फ होगा फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, फिर इसका सेल्फ होगा बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, फिर इसका क्रॉस होगा, और क्रॉस में एक बार ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा, और एक बार ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो बनेगा फॉर्मेट आयन, और ये बनेगा बेंजील एल्कोहल, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो बनेगा बेंजोएट आयन, और ये रिड्यूस होगा तो बनेगा मिथाइल एल्कोहल। तो कितने टाइप के कैनिजारो प्रोडक्ट देगा, फोर टाइप के कैनिजारो प्रोडक्ट। अभी इसमें स्टीरियो नहीं लगी है, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ज्योमेट्रिकल सेंटर या काइरल सेंटर तो नहीं फॉर्म हो रहा है, उसके फिर आपको स्टीरियो आइसोमर जैसे मैंने आपको एल्डोल में सिखाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है दूसरा, जो कि एल्डोल में पूछा था मैंने मेजर, तो यहां पर भी पूछा जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट तो क्रॉस वाला ही बनेगा, तो क्रॉस में कौन सा, क्रॉस में भी तो दो हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो जाए ये रिड्यूस हो जाए, या फिर ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाए और ये रिड्यूस हो जाए। ओके, तो देखिए एसिड कौन बनाता है, इस बात को जरा पीछे मैकेनिज्म जहां पर लिखी हुई है पीछे वाले पेज पे जरा फिर से रिकॉल कीजिए। जब जिस कार्बोनिल कार्बन पर OH- अटैक करता है उसी का एसिड बनता है, देख लीजिए एक बार उसको, जिस कार्बोनिल कार्बन पर OH- अटैक करता है उसी का एसिड बनता है। ओके, तो इसी बात को यहां पर कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसी के ऊपर OH- अटैक करेगा। तो इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपको रिएक्टिविटी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, बेंजल्डिहाइड से। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहां पर भी आप यही चीज कह सकते हो कि ये रेजोनेंस हो जाएगा, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव, तो ये मोर रिएक्टिव है। और अगर मोर रिएक्टिव है तो OH- इसी पर अटैक करेगा। तो चलिए अब जरा रिएक्शन समझ लेते हैं। तो रिएक्शन ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा OH-। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको सीधा, फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा OH-, तो ये OH- इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये इधर चला जाएगा, और फिर यही वही सारी चीजें बनना चालू हो जाएंगी, ये O- यहाँ H, यहाँ पर OH, और फिर क्या होगा, अब मैं आपको एक साथ डायरेक्ट बता दे रहा हूं, अब स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री नहीं लिखाऊंगा। अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन आप करा दो बेंजल्डिहाइड से, तो बेंजल्डिहाइड से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे क्या होगा, यहां से रेजोनेंस लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, है ना,
और ये वाला ग्रुप यहाँ से टूटेगा और ये टूटकर कहाँ लगेगा यहाँ पर और ये निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया? चलिए बताइए ये क्या बन गया? ये तो बन गया एसिड HCOOH, और ये क्या बन गया? ये बन गया इस तरीके से, ओके। और बाद में ये एसिड का H प्लस आयन इसको मिल जाएगा, यानी अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? HCOO- और साथ में क्या होगा? बेंजील अल्कोहल। तो फॉर्मेट आयन बन जाएगा और बेंजील अल्कोहल बन जाएगा, ओके। ये है मेजर प्रोडक्ट, बाकी फोर टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे इसी तरीके से, दो सेल्स और दो क्रॉस, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ओके, ये दोनों। अब आप देख सकते हो यहां पर, बताओ ऑक्सीडेशन इस वाले कार्बन का हुआ है ना, और वो भी फॉर्मेल्डिहाइड है, और रिडक्शन किसका हुआ है? इस वाले कार्बन का, जो कि वो सेम कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं दूसरे कंपाउंड में है। तो ये कैसा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं, ये कैसा होगा? ओनली रेडॉक्स, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन, ओके। तो ये था हमारा क्रॉस कैनिजारोस रिएक्शन, नोट कर लेंगे यहां तक। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारोस रिएक्शन। जैसे एल्डोल में था इंट्रामोलिक्यूलर, ऐसे कैनिजारोस में भी इंट्रामोलिक्यूलर है। अब इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? विद इन वन, यानी एक ही में हमें दो कार्बन की ग्रुप मिल जाएंगे, तो इसके लिए एक रिएक्शन लिखेंगे। जैसे CHO, तो CHO और CHO क्या बन गया? ग्लाइऑक्सल। CHO CHO क्या बन गया? ग्लाइऑक्सल, और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट बेस यानी OH माइनस के साथ कर देंगे, कंसंट्रेट। इसका मतलब ये कैसा है? इंट्रामोलिक्यूलर कह दिया जाए। और आप देख सकते हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन तो छोड़ो, अल्फा कार्बन ही नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप CHO CHO है ना। तो अब इसको बिना मैकेनिज्म के सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैकेनिज्म तो आपको पढ़ा ही दिया है, बट हर क्वेश्चन को आपको मैकेनिज्म से सॉल्व नहीं करना है। अब क्वेश्चन है ये मेंस लेवल का, नीट लेवल का, अब आप उसमें मैकेनिज्म लगाओगे तो क्या मतलब है? हाँ, अगर जेईई मेंस में अगर कोई क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया जाए जो मैकेनिज्म से सॉल्व हो रहा है, नीट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही ऐसा आ गया जो मैकेनिज्म से सॉल्व हो रहा है, तो वहां लगाएंगे, हर क्वेश्चन में थोड़ी ना मैकेनिज्म लगाएंगे। तो देखिए ये ग्लाइऑक्सल में आपको पता है कैनिजारो में क्या होता है? एक मोल ऑक्सीडाइज तो दूसरा मोल रिड्यूस, तो बस यही काम करना है आपको, एक कार्बोनिल को उठाकर आप ऑक्सीडाइज करा दो। तो ऑक्सीडाइज किसमें होगा? एसिड में, और एसिड बनता नहीं है तो सॉल्ट बनता है, तो यहाँ NaOH होगा तो सोडियम सॉल्ट के होगा, तो पोटेशियम सॉल्ट। तो यहां पर ये वाला COO- बन जाएगा ऑक्सीडाइज होकर, और दूसरे वाले को क्या कराना है आपको? इस वाले को क्या कराना है? इस वाले को आपको कराना है रिड्यूस, तो रिड्यूस कराना है, तो एक कार्बन का एल्कोहल बनाएंगे तो CH2OH लगेगा, वैसे तो CH3OH है, इसकी एक वैलेंसी लग रही है ना, तो CH2OH। अब यहाँ Na होता तो यहाँ Na लगा देते, यहाँ K होता तो K लगा देते, अगर नहीं है वैसे ही रहने दो। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ओके। तो इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो में इस तरीके से चलेगा, वन मोल गेट ऑक्सीडाइजेस while another mole get reduces, okay? Next reaction में आ जाते हैं हम लोग, और अगली reaction का नाम है Tollens reaction, Tollens reaction, Tollens reagent अलग होता है, वो test of aldehyde ketone जब आएगा तब पढ़ेंगे, Tollens reaction अलग है। तो Tollens reaction में क्या होता है? चलिए ये भी जान लेते हैं Tollens reaction में क्या होता है। यहां पर एक मोल ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा मोल ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है यानी कि एसिड एल्डिहाइड, ये लेते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट OH- से। तो ये एल्डोल नहीं है क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड लगा हुआ है, और ये कैनिजारो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां डाइल्यूट लगा हुआ है। तो ये Tollens रिएक्शन आपको कैसे पहचाननी है? फॉर्मेल्डिहाइड की एसिटिल्डिहाइड से ही रिएक्शन करवाएगा, और डाइल्यूट OH- से।
तो डाइल्यूट OH माइनस से कराएगा। तो अब क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, ये मुझे लिखना है मैकेनिज्म के थ्रू। ओके, एक्चुअल में इस रिएक्शन में एल्डोल भी होगा और कैनोजारो भी होगा, तो ये लिख भी लेंगे इन दिस रिएक्शन थ्री टाइम्स एल्डोल होगा और एक बार वन टाइम कैनोजारो। थोड़ी लंबी रिएक्शन है, ओके, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो तीन बार एल्डोल होता है, एक बार कैनिजार होता है। अगर आपको इतनी बात, जितनी बोर्ड पे लिखी है, इतनी बात पता है, तो आप टॉलेंस रिएक्शन कंप्लीट कर लोगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। तो इसमें मैकेनिज्म के थ्रू आते हैं, तो आंसर लिखेंगे। तो मैकेनिज्म क्या है इसकी, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डाइल्यूट एल्केली है, तो डाइल्यूट एल्केली OH- को चाहिए एसिड H+ आयन। कौन देगा ये? तो सबसे पहली रिएक्शन होगी एसिटाल्डिहाइड की OH- के साथ। ओके, तो ये OH- के साथ जब रिएक्शन होगी ना, तो ये अपना H दे देगा और H दे के यहां से वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बेन आयन। ये बन गया आपका कार्बेन आयन। ओके, अब ये कार्बेन आयन अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड, तो कार्बेन आयन ये अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड पे। तो देखिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? कार्बोनिल कार्बन पर। तो ये वाला कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टूट जाएगा, पाई बॉन्ड उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका CH2O-। तो ये कंपाउंड बन गया CH2O-। ओके, और ये C से क्या जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O H। तो ये देखिए, ये वन टाइम आपने एल्डोल कराया और फिर ये कार्बन आयन इस पे अटैक कर गया, तो ये वन टाइम एल्डोल हुआ। ओके, अब ये दूसरी बार फिर से एल्डोल कराइए, बिल्कुल सेम एज इट इज, यही रिपीट करना है आपको। तो अगर आप फिर से यही रिपीट करके लाएंगे, तो अब क्या होने वाला है, तो वो देख लेंगे। तो अब इसके बाद यहां पर पूरा नहीं आ पाएगा, तो मैं यहां नोट करूंगा, आप लोग उतना मार्जिन लेके चलिएगा। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा, फिर से OH- अटैक करेगा, तो OH- डाइल्यूट वाला, तो OH- अगर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये वाला H फिर से निकल जाएगा यहां से और निकल कर क्या बना देगा, वॉटर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, तो CH2O पे माइनस, ये CH- C डबल बॉन्ड O H, ये बन ही नहीं पाएगा कि तुरंत इस पर अटैक हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड पे, ये तुरंत अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड पे। अब इसमें और इसमें कौन अटैक करेगा, तो इसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इतना तो आपने 11th क्लास में GOC में पढ़ा भी होगा। तो ये C से C पे क्या आ गया, ये जुड़ गया, C से C को जोड़ देना है। ओके, तो अब आप देखिए एक्चुअल में होने क्या वाला है, ये CH2O यूनिट जुड़ी, तो आप ये देखिए ये भी CH2O- यूनिट यहां जुड़ जाएगी, और फिर जब हम एक बार और कराएंगे, तो इस कार्बन के एक एक करके सारे हाइड्रोजन हटके CH2O- यूनिट जुड़ते जाएंगे। ओके, इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगला, इसके आगे क्या बनने वाला है, तो इसके आगे बनने वाला है CH2O-, तो ये था सिंगल बॉन्ड, ये CH हो गया, और यहां से क्या जुड़ गया, यहां से भी जुड़ गया CH2O-, ये वाला पूरा, और ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, ये बन गया। ओके, अब इसको मैं उठा के यहां लिख रहा हूं, इसी को उठाकर मैं यहां लिख रहा हूं। तो देखिए CH2O- CH, CH2O- CH, ये हो गया दो बार एल्डोल। अब चल रहे हैं हम फिर से एक बार एल्डोल कराने, तो तीसरी बार एल्डोल कराने जा रहे हैं, तो फिर से OH- और अब की बार ये वाला हाइड्रोजन फिर निकल जाएगा, और जब फिर निकल जाएगा तो फिर से वाटर बन जाएगा, तो अब यहां पर आ जाएगा CH2O- C पे यहां माइनस, यहां पर CH2O- यहां पर लग गया CHO, और वो अब अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड पे। तो फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कैसे होने वाला है,
फिर से ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये टूट जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनेगा CH2O- यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फिर C यहां CH2O-, फिर ये C इससे इसको जोड़ दे रहा हूं CH2O-, और फिर इधर जोड़ दे रहा हूं C OH। ये हो गया 3 times एल्कोहल। ओके, अब क्या करना है, अब इसकी रिएक्शन फिर से 1 mole फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराइए। जरा आप ध्यान दीजिए कितने मोल फॉर्मेल्डिहाइड आप यूज कर चुके हैं, तो एक बार आपने यहां किया, फिर यहां किया, फिर यहां किया, तो 3 times तो एल्कोहल कराने में कर दिया, और अब आप 4th time फॉर्मेल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं। ओके, तो 4th time आप यूज कर रहे हैं, तो अब ये कार्बोनिक कंपाउंड है और एक ये भी कार्बोनिक कंपाउंड है। ओके, तो अब होगा कैनिजार, तो अब कैनिजार होगा तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव ये है फॉर्मेल्डिहाइड हमारा, और ये वाला क्या है, ये वाला है लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज, और लेस रिएक्टिव क्या हो जाता है रिड्यूस। ओके, मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज और लेस रिएक्टिव रिड्यूस। अच्छा, इससे भी पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हैं, और वो दोनों एक साथ कुछ किसी को भी आगे किसी को भी पीछे आप कर लीजिए। जैसे इस वाले मोर रिएक्टिव वाले पे इसका अटैक और करा देते हैं, तो यहाँ कैनी जारो एक बार और करा देते हैं। तो अगर हम कैनी जारो कराएंगे तो देखिए क्या होगा, ये वाला मोर रिएक्टिव है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये वाला लेस रिएक्टिव है तो ये CHOCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया CH2O-, फिर यहां आ गया C, यहां पर आ गया CH2O-, यहां पर आ गया CH2O-, और यहां पर आ गया CH2OH। ओके, और साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में मिल जाएगा आपको ये HC OH, HC OH-, ये निकल गया, क्योंकि मुझे ये मेन प्रोडक्ट करता है, इससे मिल मतलब। अब आप इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जहां जहां पर आप O- देख रहे हो वहां OH हो जाएगा। तो ये कार्बन ये वाला बनाया, ऊपर CH2OH, नीचे भी CH2OH, इस तरफ भी CH2OH, और इधर भी CH2OH, ये कंपाउंड बन गया। ओके, इस कंपाउंड का नाम है इरिथ्रिटॉल। इरिथ्रिटॉल, इरिथ्रिटॉल। ओके, इसकी रिएक्शन पूछी जाती है नाइट्रिक एसिड से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप ये लिख लेंगे A बना और इसकी रिएक्शन HNO3 से कर दी तो B बना, तो ये क्या हो गया अपना कंपाउंड A। ओके, अब इसकी रिएक्शन HNO3 से कर देंगे, तो अगर आप HNO3 से करोगे तो यहां पर OH वाटर निकल जाएगा, H और OH वाटर निकल जाएगा, और यहां पर NO3 लग जाएगा। तो जो NO3 लगेगा वो क्या लगेगा, कैसे लगेगा CH2ONO2, NO3 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, फिर ये C, फिर यहां पर भी CH2ONO2, यहां पर भी CH2ONO2, और यहां पर भी CH2ONO2। ओके, ये बन जाएगा। अब आप ऐसे लिखो या फिर आप देखो यहां पर कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और मिड में 5, तो ये कंपाउंड ऐसा कुछ बन जाएगा। ओके, और इस कार्बन के साथ ये रहा सेंटर वाला कार्बन, और आप देखेंगे यहां पर ये रहा कार्बन, तो यहां पर आपको क्या लगाना है ONO2, सब जगह आपको क्या लगा देना है ONO2। इस कंपाउंड का नाम है, दोनों एक ही है, चाहे आप किसी को भी बोलिए ये दोनों सेम है, बस मैंने वो लाइन स्ट्रक्चर बना दिया। इस कंपाउंड का नाम है PETN, और ये होता है हाईली एक्सप्लोसिव। अब ये PETN क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूं। PETN का मतलब होता है पेंटा इरिथ्रिटॉल, इरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट,
पेंटाइलिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट PEDL, ओके। तो ये एडवांस लेवल में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और ये डायरेक्ट बिना मैकेनिज्म के भी आपको आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछा जा सकता है, मे बी पॉसिबल, इसके चांसेस कम है लेकिन आ सकता है, बट आपको पढ़ रहे हो तो आप पूरा पढ़ लो, ओके। तो इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे कि टॉलेंस रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की डाइल्यूट एल्केली के साथ रिएक्शन होगी, तो आपको ध्यान रखना है 3 मोल एल्डोल होगा और 1 मोल कैरी जारो होगा, तो आप 3 मोल एल्डोल और 1 मोल कैरी जारो बना के यहां तक पहुंचेंगे। बल्कि ये आप लर्न ही कर लो तो बहुत अच्छा है कि 4 एक सेंटर में कार्बन रखना है और बाकी CH2OH लगा देना है, इसका मतलब यही होता है। लर्न कर लो तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सीख लीजिए बहुत ही अच्छी बात, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कर देंगे तो फिर OH हटा के एनोड को एनोड में लगा देंगे, ओके। तो ये है PETL, पेंटाइलिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, नोट कर लेंगे यहां तक। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।